नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, 2020 का आगाज होने वाला है, उसी कड़ी में आज हम आपको वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में जानकारी देंगे कि 2020 वृश्चिक राशि वाले जो भी जातक हैं उनका किस प्रकार से जाने वाला, उनके भविष्य में 2020 में क्या क्या उठापटक होने वाली है। कुछ वीडियो हमने सिंह राशि तक के जो है वो पूरे के पूरे वीडियो एक ही बना करके डाल दिए थे, जो काफ़ी लंबे हो गए थे, तो कुछ लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज आए व कुछ लोगों ने हमें कमेंट्स बॉक्स में भी लिखा कि आचार्य जी, आप जो है वीडियो लंबे होने के कारण हम उसे पूरा नहीं सुन पाते हैं। तो उनकी सारी सुविधाओं को देखते हुए हमने उसे चार भागों में विभक्त कर दिया है। तो अब हम जो राशिफल बताने के लिए जा रहे हैं कन्या राशि से यानी सिंह राशि के पश्चात, वो चार चार भागों में आपको प्राप्त होगी, ताकि आप जो भी चीज़ को सुनना चाहें उतना आप सुन लें। उसके बाद दूसरा वीडियो आप फिर बाद में भी आप धीरे धीरे सुन सकते हैं। तो हमने उसको चार भागों में आपकी सहूलियत के आधार पर विभक्त कर दिया है। तो आज हम इस कड़ी में आपको सर्वप्रथम वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम वृश्चिक राशि के जो भी जातक हैं उन सभी के लिए नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं कि आपका दिन, आपका जो वर्ष है, ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां आए, यही कामना गायत्री श्रम करते हैं। पुनः आपके लिए नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम बताते हैं कि वृश्चिक राशि का जो है वो नए वर्ष किस प्रकार से जाने वाला है। तो सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि 1 जनवरी 2020 को प्रातः ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। नवम स्थान पर 5 ग्रहों की युति रहेगी, जिसमें शनि, सूर्य, गुरु, केतु और बुध एक साथ विराजमान रहेंगे। दशम भाव यानी कि मकर राशि में शुक्र विराजमान रहेंगे। कुंभ राशि यानी एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव यानी वृश्चिक राशि में स्वग्रही मंगल अपनी राशि में विराजमान रहने वाले हैं, और मिथुन राशि में स्वग्रही जो है वो राहु विराजमान रहेंगे। तो इन सब ग्रहों का आपकी राशि से जिन जिन स्थानों पर इनका प्रभाव पड़ रहा है, वह प्रभाव आपके साल भर आपके जीवन में पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वृश्चिक राशि वाले जातकों का पहले भाग में देखते हैं कि क्या उनका होने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह खुशखबरी है कि उनका यह वर्ष सर्वश्रेष्ठ तरीके से जाने वाला है। उन्नति के अनेक द्वार उनके लिए इस वर्ष खुलने वाले हैं। इस वर्ष स्वास्थ्य में आपके बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है। हालाँकि वर्ष के आरंभ में 24 जनवरी तक शनि की आपको 7.5 का प्रभाव रहेगा, लेकिन उसके चले जाने के पश्चात आपके स्वास्थ्य में जो है एक चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आने वाला है। आप विश्वास भी नहीं करेंगे कि आपका स्वास्थ्य इतने जल्दी कैसे ठीक हो रहा है। 7.5 साल तक आपने जो भी कठिनाइयाँ झेली हैं, जो भी आपके ऊपर कष्ट कठिनाइयाँ आई हैं, उन सब का अंत होने के लिए इस वर्ष में जा रहा है। आपके ऊपर जो भी संकट थे वो संकट के बादल छट जाएंगे, आपके चारों ओर उन्नति होने के लिए जा रही है। जो रोग की स्थिति पहले से चली आ रही थी उसमें आपके लिए बहुत अच्छा सुधार होने वाला है। आपकी राशि में मंगल जो है वो चलायमान रहेंगे, जिससे चल और अचल संपत्ति में वृद्धि के योग मंगल आपके लिए बना रहा है। इस वर्ष आप मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, उसके आपको उत्तम परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। जितनी मेहनत आप करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। यद्यपि 5 ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि से दूसरे स्थान पर बन रहा है, अतः पैसा तो आपके ऊपर जमकर आने वाला है, पैसा आपके पास में भरपूर आएगा, लेकिन खर्चे के भी द्वार भी उतने ही ज़्यादा आपके जीवन में खुले रहेंगे, खर्च भी उसी प्रकार से आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। सूर्य और केतु की युति जो है वो आपके अंदर धन की महत्वाकांक्षा को बहुत ज़्यादा जागृत करेगा, तो इस समय आपको थोड़ी सी सावधानी रखना पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर धन कमाने की एक प्रकार की लालसा उत्पन्न होगी, तो उस लालसा के कारण कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए कि कोई आप जो है
गलत कार्य कर बैठें या अनुचित रूप से आप धन कमाने की चेष्टा करने लगें, वह आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इस वर्ष जो है तीसरे स्थान पर शनि धन लाभ व पराक्रम भाव में वृद्धि के संकेत दे रहा है। इस वर्ष व्यापार में आप नए नए प्रयोग अमल में लाएंगे, नए नए प्रकार के आप प्रयोग करने की कोशिश करेंगे व्यापार में, और उसमें आप बहुत हद तक जो है सफल होने के लिए भी जा रहे हैं। 28 सितंबर तक आपकी राशि में राहु 8वें स्थान पर रहेंगे, अतः इसका ध्यान रखें कि आपसे कोई विश्वासघात कर सकता है। आप रुपये पैसे किसी को उधार ना दें, रुपये पैसे के मामले में आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है। किसी पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। आपके जो पार्टनर या भागीदार हैं उनके ऊपर आपको थोड़ा सा विश्वास कम करना चाहिए। आपके सहकर्मियों पर आप थोड़ा सा कम विश्वास करें, अन्यथा वह आपके लिए थोड़ा सा तकलीफदायक हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी में आदि के जो फैसले हैं वो आपके पक्ष में आने के बहुत सारी संकेत दिखाई दे रहे हैं। यानी कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य आपका निलंबित था, यानी कोई पेंडिंग में पड़ा हुआ था, तो उसके जो निर्णय है वो आपके पक्ष में आने के संकेत स्पष्ट से दिखाई दे रहे हैं। शत्रुओं से जो है आप शत्रु आपके प्रखर तो ज़रूर होंगे, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रुओं को आप परास्त करने में माहिर हैं, शत्रुओं को आप परास्त कर देंगे। जिस समाचार की आपको काफ़ी समय से इच्छा थी, काफ़ी समय से आप सोच रहे थे, जिस समाचार को सुनने की आप के कान लालायित थे, वह समाचार आपको इस वर्ष मिलने के लिए जा रहा है, और आप उस कार्य में योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। भवन निर्माण संबंधी यदि आपका कोई कार्य निलंबित था, भवन निर्माण यदि आप करा रहे थे और उसका कार्य अटका हुआ था, उसका कार्य यदि पूर्ण नहीं हो पा रहा था, तो इस वर्ष उसके पूर्ण होने की पूर्ण संभावनाएँ बनी हुई हैं। किसी शुभ व महत्वपूर्ण कार्य की योजना भी आप बना सकते हैं। किसी वरिष्ठ के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता आपके लिए हो सकती है। पंचम स्थान में बृहस्पति मई से सितंबर तक बकरी रहेंगे, अतः इस वर्ष इस कालखंड में प्रेम प्रसंग के प्रति थोड़ा सा आपको सचेत रहना चाहिए, बदनामी आदि आपकी हो सकती है। 30 मार्च से पूर्व बृहस्पति जो है आपकी राशि से दूसरे भाव में, अतः विद्यार्थियों के लिए यह शुभ समय रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा, इंटरव्यू आदि में, या कहीं पर भी यदि आप कोई परीक्षा दे रहे हैं नौकरी के लिए, कहीं आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कोई साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, या कोई आप प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें आपको निश्चित रूप से इस समय सफलता प्राप्त होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, और नौकरी लगने के भी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा प्रबल दिखाई दे रहे हैं। 30 मार्च से 30 जून के मध्य तीसरा बृहस्पति विद्यार्थियों के लिए सुफलदायक नहीं रहेगा। ये मन को भटकाने वाला है, आपका मन भटकेगा, आपके मन में नाना प्रकार के विचार आएंगे, आप कुसंगति में पढ़ सकते हैं, आपका खेल कूद में, लैपटॉप में, व्हाट्सएप में, फेसबुक आदि में आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, इसलिए आप इस चीज़ में ध्यान ना दें। प्रेम प्रसंगों के मामले में आप थोड़े से पढ़ सकते हैं, कुछ गलत सोबत में आप पढ़ सकते हैं, तो इससे थोड़े से आपको बचना पड़ेगा। इस समय थोड़े से आपको संभल कर रहना चाहिए। इस समय थोड़े से संभल कर रहने के लिए आपको गायत्री की शरण में जाना चाहिए। नित्य जो है कम से कम एक माला गायत्री मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो देव गुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बरसने वाली है। पति पत्नी व परिवार के मध्य जो है थोड़ी सी तकरार बनी रहेगी, आपसी बन रहेगा। बास व सहकर्मियों के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, आपके काम से वो प्रसन्न रहेंगे, और आपकी प्रशंसा आपके यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपकी होने के लिए जा रही है। तो मित्रों, प्रथम भाग में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से वृश्चिक राशि वालों का जो है जीवन, उनका भाग्य 2020 में किस प्रकार से रहने वाला है। आशा है मित्रों आपको हमारा चैनल पसंद आता होगा, और यदि आप इसे पसंद करते हैं तो अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें कि आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है। जैसा भी लगता है आप अपनी आलोचना जो है शुद्ध आलोचना अवश्य करें, इसी प्रकार अपना स्नेह व प्यार बनाए रखें। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका नया वर्ष मंगलमय हो, पुनः आपके लिए नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपका नया वर्ष मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के जीवन पर बनी रहे, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।